हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, इससे पहले हमने बात किया था कि प्रायोरिटी हिसाब से बजट अपने प्रोडक्ट दे सकते हैं, वेस्टिज के प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये दूसरा वीडियो है उस सीरीज का, और उसमें मैं बताने जाने वाला हूँ, अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि पीसीओडी के बारे में, थायराइड के बारे में, और जो है कि ज्वाइंट पेन के बारे में। ठीक है, पहला अभी ज्वाइंट पेन ही ले लेते हैं। ज्वाइंट पेन होता है ना, ज्वाइंट पेन होता है तो उसमें बहुत सारा, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम स्टार्ट कर लेंगे सीधा कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। पहला अगर देखेंगे ज्वाइंट पेन, अगर उसका एज अगर मान लीजिए थोड़ा 45 या 50 के ऊपर है, तो उनको कैल्शियम आप दे सकते हैं, विशेष तौर पे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैल्शियम ज़्यादा होना भी अच्छा नहीं है, कैल्शियम कम होना भी अच्छा नहीं है। और ज़्यादा एज होता है ना, जैसे अबो 50 या अबो 55, तो कैल्शियम देने की जरूरत, मैक्सिमम चांस होता है कि उस पेशेंट को कैल्शियम देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी जो है ना, ऐसे केस में आप दे सकते हैं, अगर चेक किया उसमें कैल्शियम दिख रहा है आपको कि कैल्शियम देने की जरूरत है, तो आप उनको 100% कैल्शियम दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो कैल्शियम अगर दे देंगे तो दिन में पहले एक ही गोली दे दीजिए, सफिशियंट है उनको। अगर बिलो 55 या बिलो 50 है तो आप दिन में एक गोली दे सकते हैं। ठीक है, 25 या 30 का पेशेंट है तो आप कैल्शियम अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो कैल्शियम रहे होगा। दूसरी बात है विटामिन डी का स्प्रे, मैं प्रायोरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, कैल्शियम, विटामिन डी का स्प्रे। तीसरी प्रायोरिटी में आता है सीएमडी कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, वो दे दीजिए। विटामिन डी क्यों जरूरी है, कैल्शियम एब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन डी जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि कॉन्सेंट्रेटेड, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप दे दीजिए। ठीक है, अभी उसके बाद ग्लूकोसामिन देना है। ग्लूकोसामिन क्यों देना है, क्योंकि ग्लूकोसामिन उसका चिकनाहट बढ़ेगा। ठीक है, ज्वाइंट पेन का जो तकलीफ है उसमें जो चिकनाहट रहता है ना ज्वाइंट में, वो चिकनाहट बढ़ेगा उससे। और ग्लूकोसामिन जो है, ग्लूकोसामिन अगर पेशेंट को ग्लूकोज है या डायबिटीज है तो ग्लूकोसामिन नहीं देना है, उसकी जगह आप क्रिल ऑयल दे दीजिए। क्रिल ऑयल बहुत ही बढ़िया है, क्रिल ऑयल ग्लूकोसामिन साथ में देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद प्रेफरेंस है मेरा क्रिल ऑयल को, लेकिन मैं कभी कभी स्टार्ट करता हूँ, अगर सामने वाले का बजट है तो क्रिल ऑयल से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल। उसके बाद जो है कि आप नोनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नोनी में बहुत सारे ऐसे सेल जनरेशन प्रॉपर्टीज है अस्थमा टीबी के साथ, जो है कि ज्वाइंट पेन पे बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करता है। ठीक है, तो आप वो दे सकते हैं। और जैसे कोलेजन है, कोलेजन उसके बाद आप कोलेजन दे सकते हैं, नोनी से पहले ही आप कोलेजन को प्रीफर करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, बजट के हिसाब से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी एलार्जिनाइन भी इसमें अच्छा काम कर देता है, लेकिन एलार्जिनाइन खूब लास्ट में, उससे पहले आप फ्लैक्स ऑयल भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रोडक्ट के साथ आप आंवला दे दीजिए, क्योंकि आंवला क्या करता है, इस सभी प्रोडक्ट का एब्सॉर्प्शन या सभी प्रोडक्ट का जो ताकत है वो ताकत बढ़ा देती है। ठीक है, तो आंवला विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, बहुत ही सुपर अपना आंवला है। ठीक है, इसके साथ दे दीजिए, ये प्रायोरिटी यूज़ कर लीजिए ज्वाइंट पेन में। पीसीओडी में क्या है कि पीसीओडी में आप जनरली, पीसीओडी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है, पॉली मीन्स ज़्यादा। ठीक है, तो ओवरी के आजू बाजू में बहुत ज़्यादा सिस्ट आ जाते हैं, ये सिस्ट कम करने होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले चेक करना है उस पेशेंट को थायराइड है कि नहीं। ठीक है, अगर है भी और नहीं भी तो भी शतावरी दे दीजिए पहला प्रेफरेंस, उसके साथ थायराइड अगर है तो आप सी बक्तान उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, मैं थायराइड का भी लेने वाला हूँ, तो पहले अगर थायराइड नहीं है तो ऐसा कंसिडर करके हम बात करते हैं, शतावरी दे दीजिए जरूर। ऐसे केस में आप कर्क्यूमिन प्लस दे दीजिए, उसके बाद शतावरी के बाद कर्क्यूमिन प्लस, उसके बाद जो है कि कर्क्यूमिन प्लस के बाद नोनी दे दीजिए, और ये पहले प्रोडक्ट। उसके बाद ग्यानोडर्मा देना है आपको, सीएमडी देना है, ग्यानोडर्मा से भी पहला सीएमडी देना है, और ये प्रोडक्ट दे दीजिए। एलोवेरा दे दीजिए, ब्लड प्यूरीफायर है, वो क्या करेगा, धीरे 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 जो है कि जो सिस्ट है उसको श्रिंक करना चालू करेगा। उसके बाद आप एक सी वक्तवन या आंवला दे सकते हैं, सी वक्तवन अगर लेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आंवला किस रूप में देना है, ये विटामिन सी सोर्स के लिए देना है। ठीक है, यहाँ आंवला सिर्फ विटामिन सी सोर्स के लिए लेना है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर ज़्यादा है तो फुट पैच लगा सकते हैं, आयरन फॉलिक और कैल्शियम भी आप दे सकते हैं, इसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा 100%। ये प्रोडक्ट देखे हम लोगों ने, बहुत सारे जो पीसीओडी है उससे बहुत सारे पेशेंट को रिलीफ दिए, आज़ादी दी है। उसके बाद आप जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड ये बहुत ही ज़्यादा T3 T4 हार्मोन जो है वो है, TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कभी कभी T3 T4 नॉर्मल रहता है, TSH बड़ा रहता है, तो ऐसे सभी केस में हमें पता नहीं रहता, वो सब पेशेंट सामने से बोलता है हमें कि थायराइड है। ठीक है, तो थायराइड कौन सा है क्या है हमें कुछ पता नहीं रहता, रिपोर्ट हम देख के चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसमें पहले शतावरी दे दे, सी वक्तन दे दे, नोनी दे दे, सीएमडी दे दे, ये बेसिक सप्लीमेंट देना है। विटामिन डी देना है, विटामिन डी अगर कम रहेगा तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। विटामिन डी, विटामिन B12 भी इसमें जरूरी है, विटामिन B12 भी बहुत ज़्यादा बढ़िया से काम करता है इस चीज़ में। और एक विटामिन सी के लिए आप आंवला भी दे सकते हैं, लेकिन सी वक्तन है जो कि विटामिन सी का ज़्यादा, आंवला से भी ज़्यादा उसमें विटामिन सी ज़्यादा है, तो आंवला नहीं देंगे तो भी चलेगा यहाँ। और ये प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट आप थायराइड में दे दीजिए। ठीक है,
और एलोवेरा एक बार ऐड करेंगे, क्रील ऑयल ऐड करेंगे। और ये प्रोडक्ट के बाद आप सिम्टोमेटिक देख सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या जरूरी है। जैसे कि अगर खून की कमी है तो आयरन डालिए, हड्डी दर्द कर रहा है आपको लग रहा है ये वीक है तो कैल्शियम डालिए, और अन्य कोई प्रोडक्ट आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से तो चलेगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।